नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय बी ए भाग द्वितीय के पेपर टू में हम भारतीय राजव्यवस्था में राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है, उसकी पदावधि कितनी होती है और पद रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इन सब बातों को हमने देखा था। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या कार्य वो करता है, इन सबको देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा विषय है राष्ट्रपति की शक्तियां या यूं कह दीजिए कार्य क्या क्या हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम कई प्रकार के कार्य या कई प्रकार की शक्तियां उसकी हैं, तो इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। तो पहला जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वह है कार्यपालिका, यानी राष्ट्रपति, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि भारतीय संघ की संपूर्ण जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होते हैं, क्योंकि भारतीय संघ के संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इसलिए यूँ कह सकते हो कि सारी शक्तियों का सोर्स एक तरह से क्या है, राष्ट्रपति है। इसलिए राष्ट्रपति को विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं, न्यायिक शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसके अलावा क्षमादान की शक्ति है उसको। तो इस प्रकार से कई सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो पहली शक्ति है उसकी कार्यपालिका या यूँ कह दीजिए कार्यकारी शक्ति, यानी एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर दूसरा राष्ट्रपति को प्राप्त है वो है विधायी शक्ति, यानी कानून निर्माण में भी राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है विधायी शक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, यानी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। लोकसभा और राज्यसभा किसी कानून को अलग अलग पारित करेंगे और अंतिम रूप से जब राष्ट्रपति के साइन उस पर हो जाते हैं तो वो कानून बनता है। इसलिए राष्ट्रपति को कहें विधायी शक्तियां भी कई सारी प्राप्त हैं, इसको बोलेंगे हम लेजिस्लेटिव पावर्स। तीसरा, राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। वित्तीय शक्तियां इस रूप में है कि वित्त का जो आय और व्यय का सबसे बड़ा जो लेखा जोखा बजट होता है वो राष्ट्रपति ही संसद में रखवाता है, यानी इसकी फाइनेंशियल पावर्स इसको प्राप्त हैं। चौथी, राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है, न्यायिक शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। न्यायिक शक्ति यानी जुडिशियल पावर्स भी राष्ट्रपति को है। पांचवी, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को क्या है, कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं। कूटनीति को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। इसी तरह से राष्ट्रपति को हमारे संविधान में सैन्य शक्तियां भी दी गई हैं। और अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास में क्या है, आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स भी राष्ट्रपति के पास में है। तो इस प्रकार से इस अनेक प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, इनको हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो हम शुरुआत की बजाय, यानी कार्यपालिका और विधायी शक्तियों की बजाय, हम आपातकालीन शक्तियों से इसको स्टार्ट करेंगे। आपातकालीन शक्तियों से स्टार्ट करने का मेरा एक विशेष उद्देश्य है, क्योंकि आपातकालीन प्रावधानों में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे संविधान में भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों का जो वर्णन किया गया है, तीन प्रकार के आपातकाल,
वो राष्ट्रपति की क्या हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं। ये मैंने आपातकालीन प्रावधान पढ़ाते समय भी आपको बताया था। तो हमारे संविधान में तीन प्रकार का आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, इसी प्रकार से अनुच्छेद 356 में जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है, और अनुच्छेद 360 में लगता है वह है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन तीनों आपातकालों के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से पहले ही बता चुका हूं, पिछली वीडियो में ये सब देखा जा सकता है कि इन आपातकालों को लगाया किस प्रकार से जाता है, लगाने के बाद में इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं, इनको हटाया किस प्रकार से जाता है, ये अब तक कितनी बार लगाए जा चुके हैं आदि आदि, इन सब बातों को विस्तृत रूप से पिछले जो वीडियो हैं दो तीन उनके अंदर डिस्कस किया जा चुका है। तो इस तरह से आपातकालीन जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हम देखते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि समूची जो संघीय शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होंगे। साथ ही साथ अनुच्छेद 53 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा, सर्वोच्च कमांडर होगा। सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है और वही राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो ये उसको सैन्य शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसी प्रकार से सैन्य शक्ति में यूं भी कह सकते हैं कि हमारे यहां राष्ट्रपति को ही युद्ध की घोषणा का अधिकार है, युद्ध की घोषणा का भी है और दूसरा युद्ध की समाप्ति का अधिकार भी किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। तो ये इसकी क्या है, सैन्य शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है या युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है तो ये दोनों ही चीजें राष्ट्रपति संसद की सहमति से करता है। तो ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां इतनी ही हैं। अब हम राष्ट्रपति को जो कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर जो प्राप्त हैं उनको हम देखते हैं। दो प्रकार की शक्तियां हम देख चुके हैं, तीसरी हम देखते हैं कूटनीतिक शक्तियां राष्ट्रपति को जो प्राप्त हैं वो। तो राष्ट्रपति को क्या क्या कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं। कूटनीतिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो जो जितनी भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो पहली कूटनीतिक शक्ति क्या हुई कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते किए जाते हैं वो सारे के सारे किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। दूसरा, अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं वहां पर राष्ट्रपति ही क्या करता है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये दूसरी उसकी क्या है, कूटनीतिक शक्ति है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उनमें भी हमारे देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार से कूटनीतिक शक्तियों में जो अन्य देशों में हम राजदूत या उच्चायुक्तों की जो नियुक्ति करते हैं हमारे देश के, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। यानी कि अन्य देशों में राजदूतों या उच्चायुक्तों, हाई कमिश्नर जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार से जो अन्य देश हमारे यहाँ राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं उनको क्या करता है, अन्य देशों के
राजदूत या उच्चायुक्तों को राष्ट्रपति क्या देता है, मान्यता प्रदान करता है। तो ये इस प्रकार से राष्ट्रपति की क्या है, कूटनीतिक शक्तियाँ। तो अब कूटनीतिक शक्ति को भी हम देख चुके हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी प्राप्त हैं। हाँ, जुडिशियल पावर्स। तो न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को यही है कि सर्वप्रथम तो हम जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसी के साथ में उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये राष्ट्रपति की क्या है, न्यायिक शक्ति है। तो यूं कह सकते हो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य चीफ जस्टिस और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के अन्य जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये उसकी न्यायिक शक्ति है। दूसरा, दूसरी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है वो ये है कि राष्ट्रपति हमारे संविधान में अनुच्छेद है एक 143, तो अनुच्छेद 143 के तहत किसी विधिक मुद्दे पर या किसी मामले पर न्यायपालिका से यानी उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है, परामर्श मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। हालांकि इसमें यह लागू होता है कि न तो उच्चतम न्यायालय के लिए हर मुद्दे पर परामर्श देना अनिवार्य है और न ही राष्ट्रपति के लिए हर मुद्दे को मानना बाध्यकारी है। तो यानी राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन इस परामर्श को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तीसरी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में हम देखें तो राष्ट्रपति को हमारे संविधान में अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्या दिया गया है, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, क्षमादान की शक्ति। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को क्या दिया गया है, क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्षमादान का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, पूर्ण क्षमा दे सकता है, एक तो यह हो सकता है। दूसरा, किसी की सजा को वह क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। इसके अलावा सजा को वह कम कर सकता है, तो आदि आदि ये वो कर सकता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति जो कोर्ट मार्शल पाए हुए व्यक्ति हैं उनकी सजा को भी कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है, और सैन्य मामलों में सजा पाए हुए व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। अगर हम अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति की बात करें तो यह राष्ट्रपति की समाधान की जो शक्ति है वो क्या है, विवेकाधीन उसकी शक्ति है। विवेकाधीन शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति समाधान में न्यायपालिका से एक अलग दृष्टिकोण अपना सकता है, और राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को क्षमा करता है तो उसमें उस व्यक्ति के परिवार और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को देख करके उस पर क्षमा करता है। लेकिन समाधान की शक्ति के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि क्षमादान की जो शक्ति है वो अतार्किक और भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए। इसको यहां देखें, हम देख रहे हैं 72 में क्षमादान की शक्ति, क्षमादान राष्ट्रपति क्या है, विवेकाधीन शक्ति है। मैंने आपको बताया विवेकाधीन का मतलब है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका से क्षमादान में अलग दृष्टिकोण अपना एक अपना सकता है। समाधान में ये देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति को सजा मिल रही है अगर उस व्यक्ति को सजा को अगर सीमित कर दिया जाता है, उसको मुक्त कर दिया जाता है, तो उसका अगर उस व्यक्ति के परिवार और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। इसी के साथ मैंने ये बताया कि समाधान की जो शक्ति है उसका प्रयोग राष्ट्रपति क्या करेगा, यानी समाधान की शक्ति
तार्किक होनी चाहिए, अतार्किक और भेदभावपूर्ण ये नहीं होनी चाहिए, यानी क्षमादान की शक्ति अतार्किक और दूसरा भेदभावपूर्ण ये नहीं होनी चाहिए। अतार्किक का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो वो तार्किक आधारों पर करेंगे, यानी पूरे तर्क वितर्क उस पर किया जाएगा और तर्कों के आधार पर देखा जाएगा कि राष्ट्रपति ने यह डिसीजन लिया है तो सही लिया है या गलत लिया है। इसी प्रकार से अतार्किक नहीं होनी चाहिए और दूसरा भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए क्षमादान की है शक्ति। भेदभावपूर्ण नहीं होने का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा करने में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग इनके आधार पर या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति अमुक जाति का है तो उसको तो क्षमा कर दिया और कोई दूसरी जाति का है तो उसको क्षमा नहीं किया। इसी प्रकार से समाधान में धार्मिक आधार पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म विशेष का है तो उसको तो क्षमादान की शक्ति क्षमा कर दिया गया और कोई दूसरे विशेष धर्म का है उसको क्षमा नहीं किया गया। इसी प्रकार से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी महिला है तो उसको क्षमा कर दिया और पुरुष है तो उसको नहीं किया, यानी क्षमादान की शक्ति में समाधान में हम तार्किक आधार पर फैसला किया जाएगा। इसी प्रकार से अब यह भी निर्धारित कर दिया गया है कि जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की जो शक्ति है अनुच्छेद 72 में इसका न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू, यानी राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारी जो राष्ट्रपति की चार शक्तियां या कार्य हैं वो हमने देख ली। अब जो नेक्स्ट जो तीन हैं, वित्तीय शक्तियां, विधायी और कार्यपालिका, वित्तीय शक्तियां तो हम अभी देख लेते हैं। फिर चूंकि कार्यपालिका शक्तियां और विधायी शक्तियां वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी बड़ी भी हैं, तो इन दोनों को हम अलग से एक वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। अभी हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में यही है हाँ, पहला वित्तीय शक्तियों में कि जो धन विधेयक है फाइनेंस बिल वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जा सकता है। धन विधेयक क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इस पर लेनी पड़ती है, ये इसकी शक्ति है। दूसरा इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी, जैसे साधारण विधेयकों को राष्ट्रपति कई बार क्या है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। तो एक तो यह हो गया। दूसरा वित्तीय शक्तियों में, यानी भारतीय संसद में जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा है जिसको हम बजट बोलते हैं वो राष्ट्रपति ही संसद में रखवाता है, यानी यूं कह सकते हो कि वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट जो है, जो कि बजट क्या होता है, बजट एक वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का लेखा जोखा या उसका ब्यौरा होता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट राष्ट्रपति ही संसद में रखवाता है, अनुच्छेद 112 में ये बात कही गई है। तो दो वित्तीय शक्तियां हमने देख ली। तीसरी, अनुदान की जो मांग है, अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखी जा सकती, ये तीसरी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, यानी अनुदान की जो मांग है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेगा तब तक अनुदान की मांग नहीं रखी जा सकती। चौथी राष्ट्रपति की हम वित्तीय शक्ति देखें तो
हमारे यहाँ एक तीन निधियाँ बनाई गई, जिनमें एक है आकस्मिक निधि, संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है। इसी प्रकार से जो आकस्मिक निधि है वो राष्ट्रपति के अंडर में, राष्ट्रपति के कंट्रोल में होती है। यानी आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति खर्च करने का आदेश दे सकता है, ये उसकी चौथी वित्तीय शक्ति है। इसी प्रकार से हमारे संविधान में हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें एक तरफ संघ है और दूसरी तरफ सारे के सारे क्या हैं, राज्य हैं। इसलिए पांचवी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति वो यह है कि संघ, या यूं कह दीजिए कि केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व, या राजस्व को आप कर भी कह सकते हो, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए, राजस्व या करों के बंटवारे के लिए एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। तो प्रत्येक पांच वर्ष में इन केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए जो वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, उस वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कब करेगा, प्रत्येक पांच वर्ष में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा, ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा हो सके या करों का बंटवारा हो सके। इस प्रकार से ये सारी राष्ट्रपति की क्या थी, वित्तीय शक्तियां थी। अब दो शक्तियां बची हुई हैं, एक तो विधायी शक्तियां और एक राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। इन दोनों पावर्स को हम एक अलग वीडियो में विस्तृत रूप से देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।